राइट में देखो सर, ओके सर सर सर, अरे दे दे दे, एक रुपया दे। रियली गुड टू सी यू राम रतन। अरे राम रतन मिल पाया तो हमने देख लिया ना, ये कभी भी राम रतन आपने प्रेम रतन दिखाया। प्रेम रतन दिखाया, अब राम रतन, राम रतन इज कमिंग यू नो। अब क्या आपने सलमान से कुछ राय ली थी इस फिल्म के बारे में बिफोर साइनिंग द फिल्म? डिड यू हैव टेकन द एडवाइस फ्रॉम या एडवाइस इन अ वे? मतलब मैं उन्हें हमेशा लूप में रखती हूँ जो भी काम करती हूँ। आई मेक श्योर कि उन्हें पता हो मैं क्या काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं उनकी प्रोडिजी हूँ, तो मुझे उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। डैशी, ओके मेरा नाम चेंज हो गया। 18 नवंबर को सलमान खान की शादी होने जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? आपको कुछ राम रतन से कैसे रिलेटेड हुआ ये क्वेश्चन? आपने सुपरस्टार सलमान खान के साथ क्या, और इस फिल्म में एक यूं हमारे मतलब उन्होंने ज्यादा अपना करियर नहीं बनाया है बॉलीवुड में, तो दोनों के साथ आपका कंपैरिजन अगर करें किस बात का रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं एक्सपीरियंस कैसे बता सकती हूँ? मैंने अभी तक फिल्म की शूट स्टार्ट नहीं की है। मुझे नहीं लगता कि टैलेंट को कभी भी कंपेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ। हर एक इंसान अपने आप में एक टैलेंट होता है, और जब आप बोल रहे कि ऋषि एक न्यू कमर है, तो मैं भी एक न्यू कमर थी और मेरे साथ सुपरस्टार ने काम किया था। फिर भी एक्स फैक्टर हम जानना चाहेंगे फिल्म के अंदर क्या हो सकता है, मतलब क्यों हम टिकट काउंटर पे हम जाए फिल्म देखने के लिए? ओके, आपने बीवी नंबर 1 देखी थी? हाँ, सलमान खान और करिश्मा कपूर की। तो फिल्म जो है वो थोड़ी बहुत वो लाइन पे है, वो नहीं है, पर लड़की जो है वो मतलब उसके दो पहलू है, लड़के के दो पहलू है, सो इट्स समथिंग लाइक दैट। दीदी, कोई बायोपिक आप करना चाहती हो? क्योंकि आजकल बायोपिक भी बहुत बन रहे हैं, वुमेन सेंट्रिक फिल्में बहुत बन रही हैं। कोई अगर फिल्म बनती है पीवी सिंधु के ऊपर, तो मैं डेफिनेटली वो करना चाहूँगी। बैडमिंटन खेलती हैं आप? मैं बहुत बैडमिंटन खेलती हूँ, मैंने बचपन पूरा बैडमिंटन खेल के निकाला, हम लोग मैच बहुत खेलते थे। हाँ ना, मतलब वो विन विन सिचुएशन होगा ना, मतलब अपना फेवरेट स्पोर्ट खेलते खेलते आप फिल्म भी बना रहे हो। थोड़ा सर यही कर लेंगे तो स्टेज